पेड़ कट रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, नदियों से मछलियां कम हो रही हैं, समुद्र में पानी बढ़ रहा है। बेसिकली नेचर और प्रोग्रेस का बैलेंस हम बना नहीं पा रहे हैं। इसी इम्बैलेंस को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और अब ये हमारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इसी स्थिति पर मेरी कुछ पंक्तियाँ। शर्म इंसानों में थोड़ी बाकी होनी चाहिए। मैं जब लिख रहा था तो मैंने इंसानों की जगह हुक्मरानों लिखा था, यानी लीडर्स। शर्म हुक्मरानों में थोड़ी बाकी होनी चाहिए। फिर लगा कि गलती सिर्फ लीडर्स की नहीं है, हम सबकी है। शर्म इंसानों में थोड़ी बाकी होनी चाहिए, वरना मजबूरन हवा भी बागी होनी चाहिए। बागी होना चाहिए उन परिंदों को जिन्हें लौटने पर शाम को कोई घोंसला ना मिले। घास पत्ते फूल भी बेघर हुए तो क्या करेंगे, घास पत्ते फूल भी बेघर हुए तो क्या करेंगे, सूखेंगे जल जाएंगे, हमको संग लेकर जलेंगे। पर्वतों की छातियों को काट कर जो घर बनाए, पर्वतों की छातियों को काट कर जो घर बनाए, वो जरा अंगड़ाई ले ले तो अभी भूकंप आए। तारे टूटे क्या कहीं, मन्नत तो पूरी हुई नहीं। तारे टूटे क्या कहीं, मन्नत तो पूरी हुई नहीं। फिर मगर आकाश में क्यों सारे दिखते अब नहीं। जुगनुओं का टिमटिमाना बच्चों को अब पता नहीं। ड्राइंग के कागज के बाहर रेनबो देखा नहीं। जिसने पाला जिसको लूटा, मातृभूमि है धरती माँ है। जिसने पाला जिसको लूटा, मातृभूमि है धरती माँ है। छोटी बड़ी जायस गलत हर भूख पूरी करती माँ है। दूध खून पेड़ पानी माँ तो अंगंग दे ही देगी। दूध खून पेड़ पानी माँ तो अंग अंग दे ही देगी। तेरा लालच तय करेगा ये धरा कब तक बचेगी। देखे जरा यूं खून माँ का कब तलक पी पाओगे, देखे जरा यूं खून माँ का कब तलक पी पाओगे। बेघर तो सांस आ जाएगी, क्या बेशजर जी पाओगे।